मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने वर्क के रूप में डिस्कस किया था, आज आयत के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात करने वाले है वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, आयताकार कोई आकृति है, उसके बीचों बीच अगर कोई रास्ता बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो तब उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, या कोई आयताकार आकृति है उसके अंदर की ओर अगर रास्ता बनाया जाए तो उसको क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई आकृति है, यदि उसके आयताकार आकृति के बाहर अगर कोई मतलब रास्ता बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो तीन कॉन्सेप्ट तीन थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही अच्छा थ्योरम है, और हम इसको साबित भी करेंगे और आपको टेक्निक भी बताएंगे। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड के भी थोड़ा शेयर कर देंगे, ताकि इस समय ये भी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है साल के लास्ट तक, तो हम आशा करेंगे यदि आप अभी से पढ़ के रखेंगे तो आने वाले समय में आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और कम ही प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो बात हमने आपसे शेयर किया है उसी पे खरे उतरेंगे, और आपके साथ हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि थ्योरम आपको लिखा हुआ है, किसी आयत के अंतर्गत भुजाओं के समांतर समान चौड़ाई का यदि रास्ता बनाया जाए तब। तो हमने ये भी कहा था इसको किस प्रकार से हम लोग थ्योरम को डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग अच्छे तरीका से पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप फिगर ड्रॉ करेंगे यहीं से सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मतलब एक आयताकार आकृति है जो आपके पास दिख रहा होगा, और आप ये जानते हैं यहां से यहां तक ये लंबाई के रूप में होती है, यहां से यहां तक ये चौड़ाई के रूप में होती है, ठीक है। अब कह रहा कि ये आयताकार आकृति के बीचों बीच, और बीचों बीच मतलब लंबाई के समानांतर। तो प्यारे बच्चों हम लोग डॉट से इंडिकेट करेंगे, तो आप लोग जानते हैं लंबाई के समानांतर, ये आपका लंबाई है तो लंबाई के ही समानांतर, ठीक है, लंबाई के ही समानांतर, लंबाई के ही समानांतर है ना, एक रास्ता बनाया जाए। तो लंबाई के समानांतर अगर ये यहां से यहां तक L के रूप में प्यारे बच्चों है, तो क्या ये यहां से यहां तक ये भी आपके L के रूप में होंगे, ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, चौराई के समानांतर, तो चौराई यहां से यहां ये होंगे प्यारे बच्चों, ये भी आपका मतलब चौराई के रूप में होंगे, ठीक है। और ये फिगर जब ड्रॉ होंगे तो कंप्लीट आप समझ जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, है ना। जो मूल बात हम बताने का प्रयास कर आप 100% समझ सकते हैं। तो ये चौराई है, तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक आपका कंप्लीट ये क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। लेकिन ये हम मान के चलेंगे चौराई लंबाई के और जो है रास्ता कितनी चौराई का बनाया गया, ये एफ चौराई का बनाया गया, ठीक है। और चौराई के समांतर रास्ता बनाते कितनी लंबाई का, तो एक्स लंबाई का बनाया गया, तो ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। और सबसे इंपोर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, आप लोग यहां से यहां तक अगर हम कहीं भी जाएंगे तो एक्स एक्स के रूप में होंगे, यहां से यहां तक कहीं भी जाएंगे तो एक्स एक्स। तो अपने आप का समझे प्यारे बच्चे, ये भी एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स हो जाएंगे। मतलब आम भाषा में हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, यहां से एक कोई रोड है तो कंक्रीट इस रोड पे कंक्रीट बिछाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। एक बार कंक्रीट कंप्लीट बिछा दिया गया, अगर दोबारा इधर से इधर अगर हम लोग बिछाने का प्रयास करेंगे तो क्या इस जगह पे दोबारा कंक्रीट हम बिछा पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। तो वही हम कहना चाह रहे, एक बार जब ये ऑलरेडी कंक्रीट इस पे इस रास्ते पे ऑलरेडी बिछा दिया गया है, तो जब इधर से इधर हम रोड पे अगर कंक्रीट बिछाएंगे तो इस जगह पे दोबारा नहीं कर पाएंगे, मतलब एक ही बार उसको करना होता है। तो वही चीज आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे, वही पूछ रहा है कि आपका रास्ता का क्षेत्रफल क्या होंगे, रास्ता बोले या काला भाग बोले या शेष भाग बोले, जनरली लेकिन रास्ता का क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो लंबाई के समानांतर, तो अगर मेरी लिए लंबाई अगर ये हो जाएंगे तो चौड़ाई इस रूप में होंगे, तो हम कह सकते हैं एल गुने एक्स हो जाएंगे। चौड़ाई के समानांतर यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो बी गुने एक्स हो जाएंगे। और ये जो है हमने आपको जस्ट अभी सिखाने का प्रयास किया है, एक वर्ग बन रही और कंक्रीट हम दो बार तो नहीं एक बार करेंगे, तो यही ये लंबाई हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे चौड़ाई हो जाएंगे। तो माइनस एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स माइनस के रूप में क्यों हुए, क्योंकि ये दो बार आपका कंक्रीट यहाँ पे नहीं बिछा पाए, इस वजह से हमने वहां पे घटाने का प्रयास किया। और यहाँ पे अगर पहले बच्चों हम एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका हो जाएंगे एल हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर नॉट होके डायरेक्ट कितना हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। और जहां पे हम ये कर सकते प्यारे बच्चों, जहां ठीक है एक्स बराबर चौराई होंगे, रास्ता की क्या होंगे चौराई, रास्ता की चौराई होंगे, रास्ता की चौराई रास्ता की होगी, ठीक है। अच्छा, और ये एल तो आप लोग जानते हैं आयताकार की लंबाई होंगे, क्या होंगे लंबाई होंगे, बी बराबर क्या होंगे चौराई होंगे, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे ये जो थ्योरम हमने आपसे प्यारे बच्चों बात किया है आप 100% सीखे होंगे। अब ये थ्योरम के बाद हम दो थ्योरम और बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे काम का जो चीज है पहले हम उस पर डिस्कस करें, उसके बाद अगर थ्योरम जानकारी हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप खुद से ही बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, आप लोग समझने का प्रयास करें, इसको हम मिटाते हैं और वीडियो को पॉज करके है ना इस तरह के आप देखेंगे तो सारी बात आपका रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करेंगे कि जो चीज हम कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, और जितने भी बात हम कहने का प्रयास करेंगे आप लोग नोट भी करेंगे और एक अच्छे तरीके से है ना रिविजन करते रहेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो प्यारे बच्चों आपके सामने हम डिस्कस करेंगे ये भी बहुत ही अच्छा है, देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को हमने बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ है नहीं, बस एक बार यदि आप लोग थ्योरम सीख लेंगे तो सारी बात आसान हो जाएंगे। थ्योरम जो हिंट का था आपको, देखिए इस प्रकार से किसी आयत के अंतर्गत भुजाओं के चारों ओर समान चौराई का रास्ता बनाया जाए, ये रास्ता बनाया जाए, ये पहली बात हुई, मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन रास्ता बनाया जाए किधर, अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर, तो ही पॉइंट नंबर वन में बता रहे यदि रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए, तो रास्ता अंदर की ओर बनाएंगे तो पहले तो आपको ये इंडिकेट करना है ये ए बी सी डी एक आयत है और यहां से यहां तक कंप्लीट ये एल होते हैं, यहां से यहां तक कंप्लीट ये बी होते हैं, और पहली बात सबसे आपको कहता है अंदर की ओर, तो हमने हिंट बताया था जब भी अंदर की ओर यदि बनाया जाए इसका एरो जो होता है इस प्रकार से यदि इंडिकेट करेंगे इसका मतलब हुआ रास्ता जब भी होंगे अंदर की ओर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ। और ये बात हमने वर्ग में भी ये सिखाने का प्रयास किया आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर की ओर है तो वही इंडिकेट हेड जो है एरो जो है हेड अंदर की ओर है तो इसका मतलब रास्ता अंदर की ओर बनाया गया होगा, और कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई तो इतना आसान है, बस आप लोग थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता चरम चुएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आखिर ये रास्ता अंदर की ओर बनाएगा कितनी चौराई का, तो x चौराई का, लेकिन वो भी समान, तो अगर x चौराई का रास्ता इधर बनाया गया है तो इधर भी x चौराई का रास्ता बनाया गया होगा, इधर भी x चौराई का रास्ता बना, इधर भी x, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं चारों ओर, मतलब ये आप लोग को ज्ञान होंगे ही, अगर मान लो कोई मकान बनता है तो मकान के चारों ओर एक कंप्लीट भाग छोड़ दिया जाता है, इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि मतलब लाइट आ सके, कोई खिड़की से किसी को देख सके, खिड़की से कोई सामान फेंक सके, खिड़की से कोई सामान ले सके, मतलब ये इस रूप में जब आप लोग थोड़ा सा सिलेक्शन लेंगे जॉब में जब मकान बनाएंगे तो सारी डाटा आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये रास्ता अंदर की ओर है तो एरो के हेड के माध्यम से हम इंडिकेट कर दिए कि ये रास्ता रियल में अंदर की ओर इंडिकेट कर रही, रास्ता जो चौराई हो रही समान चौराई, मतलब एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब हुआ जितने भी होंगे उस समान के होंगे, अगर रास्ता 2 मीटर के है तो इधर दो इधर दो इधर, इसका मतलब ये हुई, ठीक है। तो हम रास्ता का डायरेक्ट क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं है, रास्ता का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है
रास्ता मतलब ये जो एरिया देख रहे प्यारे बच्चों, ये जो एरिया देख रहे हैं यही आपका रास्ता का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये नहीं समझना कर इंडिकेट नहीं किए तो ये चिन्ह, बस आप लोग इतना जानकारी, यही भाग आपको रास्ता का क्षेत्रफल लिखा, वहां पे हमने बात किया था, है ना। यही चीज आपको हो सकता है कि ये बात आप लोग नहीं समझ पाए, इंडिकेट ये जो देख रहे प्यारे बच्चों यही चीज आपको रास्ता का क्षेत्रफल निकाल रहा था उस समय, ठीक है। ये सब एक ही चीज होती है, बस आप लोग ध्यान दें। अब यहाँ पे ये मामला रहा तो 12 आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये एल हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, तो 12 आयत का इसी में हम चाहते कि इसी के साथ कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप कर दे, तो रास्ता का क्षेत्रफल एल गुने बी हो गया। अच्छा, रास्ता अंदर की ओर है तो हम कह सकते हैं बड़ा आकृति में से अगर छोटा को बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान दें यहां से लेके यहां तक एल आपको होते हैं, लेकिन एक तरफ एक्स इधर मतलब कमी हो गई और एक तरफ एक्स इधर कमी हो गई, मतलब लंबाई में, मतलब समझिए कि लंबाई में ये एक्स एक्स मीटर चाहे जो भी यूनिट रहे होंगे, कमी इधर और एक बार इधर, तो मतलब लंबाई में 2x कमी हो गई, तो हम कह सकते हैं एल माइनस 2x हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम चौराई की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं चौराई यहां से लेके यहां तक है, लेकिन एक्स मीटर उधर हो जाएंगे, एक्स मीटर नीचे हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, बी में से कितना जाएंगे 2x हो जाएंगे, ये भी कंप्लीट लंबाई के रूप में होंगे, ये चौराई के, ये भी क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौराई, यहाँ पे वही आपका एरिया है, ठीक है। लेकिन 12 में से छोटा को घटाएंगे तब तो ये पूरा पद, मतलब आप लोग ये समझे ये पूरा एरिया में से अगर ये एरिया को घटा देंगे तो यही एरिया आपको लिए रिमेनिंग बचेंगे, यही रास्ता का क्षेत्रफल होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एल गुने बी में से अगर प्यारे बच्चे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एल बी हो जाएंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 2x l हो जाएंगे, इसके साथ गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 2x b हो जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसको सिंपलिफाई करें तो l b हो जाएंगे प्लस 2x l हो जाएंगे प्लस 2x b हो जाएंगे माइनस 4x स्क्वायर हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस ये बी हो जाएंगे माइनस आपका कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और ये एक्स ही बताता रास्ता की चौड़ाई, ठीक है, रास्ता की चौड़ाई, और ये एल तो आप लोग समझते हैं रास्ता की लंबाई हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट आयत की लंबाई हो जाएंगे, आयत की क्या हो जाएंगे लंबाई हो जाएंगे, बी मतलब प्यारे बच्चों आयत की चौड़ाई हो जाएंगे, ओरिजिनल पर आयत की चौराई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये मान कर चलेंगे कि ये चीज आपको 100% समझ में आ गई होगी, लेकिन जो मुख्य बात है उसमें किसी भी बच्चे को कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन हम मान कर चलेंगे कि अगर थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो भी गई होगी तो वीडियो के एक या दो बार आप देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये रास्ता आपको अंदर की ओर हमने बताया था। अब जब रास्ता अगर हो सकता है, अगर आपसे कॉन्सेप्ट अगर पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, हो सकता है यदि रास्ता बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो तब, यदि रास्ता बाहर की ओर हो तब इसमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ये पार्ट आपका पहले हो जाएंगे, ये पार्ट बाद हो जाएंगे, और बड़ा पार्ट में से छोटा पार्ट को घटाएंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और जहां पे आप बाहर की ओर अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ध्यान दें ये अंदर की ओर हमने साबित किया है, आपके सामने है। यदि रास्ता बाहर की ओर हो जाएंगे तो 12 एरिया में से छोटा एरिया मतलब इसमें से अगर ये जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका इसी तरह मतलब इसमें से अगर ये जाएंगे तो सारी चीज आपको समान होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों बस यहाँ पे आपका कौन सा चीन हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। हमने क्या कहा, बस यही समझिए, बाहर की ओर तो प्लस हो जाएंगे, अंदर की ओर माइनस हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझ पाए तो आज हम प्यारे बच्चों यहीं पर रखेंगे, कल इस पे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ। तो टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ाई करते रहे, थैंक यू, ओके।